हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, ऐश्वर्या राय के लिए अख्तर ने रजाक को भयानक धोया। शोएब अख्तर, अब्दुल रजाक, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप। तो भैया, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में एक्चुअली वो वीडियो क्लिप हो गया। मुझे नहीं पता इसमें वो दिखाएंगे कि नहीं, पर एक्चुअल वीडियो क्लिप है जिसमें उस बंदे ने क्या बोला, वो सुन के गुस्से से भर जाएगा कोई भी इंसान। मतलब एक तो पहले उसने इंडिया की इंसल्ट की, एक इंडियन की इंसल्ट की, दूसरा उसने पूरे वुमेन जो है ना, औरतों की इंसल्ट की है उसने। उसने अपनी गंदी सोच दिखाई है, गंदी घटिया सोच। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताती हूँ। सच में जब मैंने उसका सुना था ना, मतलब इनकी सोच इतनी गंदी है कि अच्छे इंसान को समझ ही नहीं आएगा बंदे ने बोला क्या है। तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया, मुझे बस ये लगा कि उसने ऐश्वर्या राय के साथ शादी करने की बात की और वो किया। मैंने कहा यही इतना इंडिसेंट बात है कि भैया एक मैरिड लेडी है, उसके बच्चे हैं, तुम एक मैरिड लेडी के साथ शादी करने की बात कर रहे हो और उस टाइप की स्टेटमेंट बोल रहे हो कि मेरा बच्चा है। तो कुछ सोच के तो बोल यार तू। तो मैं तो उस एंगल से सोच रही थी। उसके बाद जब मेरे को बाद में बताया, समझ में समझाया गया कि बोला क्या, मैंने कहा बाप रे, कोई ऐसे भी सोच सकता है। से पता लगा कि क्या बोल रहे थे। हाँ, जब उसके नहीं तो समझ, हमें तो हमें समझ ही ना आता। मतलब इससे पता चलता है कि वो इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं कि हमारी सोच से ही बाहर हैं ये लोग। तो चलो शुरू करें। आप अच्छे बयान दे रहे हो ना, आकाश अच्छा बोलता ना यार, मैं कैसे किया तुम यार कि ये ठीक नहीं है। सो आई थिंक इट्स क्लियरली डिस्गस्टिंग एंड आई डोंट एग्री विद दैट, नन ऑफ दिस थिंग। जब हम रिवर्स कर रहे थे तो दुनिया ने लगाया बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, लगाया फिर बाद में सारी करने लग पड़े क्या। और वो फिर आपने दो बॉल ही बदल दिए माशाल्लाह, आपने एक बॉल से दो कर दिए, दो से आपने तीन दायरे कर दिए, आपने क्रिकेट को फ्रॉड कर दिया। अजीबोगरीब आरोप लगाए जिससे उनको काफी ट्रोल होना पड़ा। मोहम्मद हफीज द प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि मैच बीसीसीआई करवा रही है या आईसीसी करवा रही है। इसके अलावा हफीज ने पिच से छेड़छाड़ तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब टीम इंडिया बॉलिंग करती है तो शायद, मतलब अलग अलग पिचेस पर हो रहा है छेड़छाड़ हो रही है। पूर्व पाकिस्तान, इनके सारे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पागल हैं क्या। पूर्व होती है, अगर पूर्व ऐसे हैं तो अभी प्रेजेंट वाले भी ऐसे होंगे। एक ही ग्राउंड पे अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग पिच का बिहेवियर कैसे हो सकता है। सीधे पूछते हैं एक बार आकाश भाई से। आकाश भाई, क्या आपको इस बारे में पता है प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं हसन के बारे में कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में कहावत है, उसमें कहते हैं ग्रोइंग अप और rather growing old is mandatory, growing up is optional. मतलब देखिए, बूढ़े तो सबने होना है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप क्या बड़े हो पा रहे हैं, देखो कितनी तकलीफ हो रही है शोएब को। अब नहीं हंसेगा हसन, एक्चुअली बहुत छोटा था बच्चा भाई, पाकिस्तान के लिए खेला, ऐसा लग रहा है कि शरीर बढ़ गया, दिमाग अभी भी वही है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट की जिस तरीके से, मतलब कितना प्रॉब्लम हो रही है उसको। आकाश भाई ने एकदम से माइक ड्रॉप कर दिया। सो ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल, तो हसन हैज टू ग्रो अप। और आई एम श्योर वो पाकिस्तान में उनकी खूब, एक्चुअली चाहे वो शोएब हो या वसीम हो, सबने बोला कि यार प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, तुम तो अपना नाम खराब करते करते हमारा मत करो, हमारी इज्जत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज। पर हफीज का प्रोफेसर का क्या है, प्रोफेसर ना he's interesting guy, मैं इनके साथ खेला काफी हूँ एक्चुअली, कोलकाता में भी थे हमारे साथ। तो इनके पास है वो एक थोड़ा सा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बोलना है, कुछ अलग बात बतानी है। तो मैंने उनका इस वाली चेन्नई वाली पिच को लेकर मैंने उनको बताया भी था कि हफीज यहाँ पे ना एक्चुअली स्क्वायर में तीन रंग की मिट्टियां हैं, तो जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो बदल जाएगी पिच यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर सच्ची बात यह है कि दोनों टीम को उसी पिच पे खेलना पड़ता है, ऐसा तो यही दिमाग में कमी है, पिच पे जाके दूसरी टीम को कराती है। तो आई मीन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर सुधार करना है, सिर्फ एक चीज कहते हैं मैन इन द मिरर, जो आपको आईने में दिखता है ना, उससे झूठ नहीं बोलना है, उससे आप सच बोलो कि क्या मैं अच्छा खेला,
अगर मैं अच्छा नहीं खेला और दूसरा खेला या नहीं खेला, हाउ डज इट मैटर ऑनेस्टली? मतलब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आप इंप्रूव करोगे, आप दूसरे के ऊपर फोकस करोगे तो फिर आप सिर्फ कंप्लेन करोगे। और हफीज की बात से कई बार लगा कि कंप्लेन कर रहे हैं। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, भिंडी रोनर हो रहे हैं ये बोलो, ऐसी टीम जीत रही हो ना तो कई बार आपको ना लीवे मिलता है कि चल बोल ले यार कोई बात नहीं क्योंकि जीत रही है ना। जब टीम हार रही होती है और उसके बाद आप ऐसी बातें करते हो फिर कहते हैं अंगूर खट्टे थे यार कि मजा नहीं आ रहा ना, देखो इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। चाहे अब ये पाकिस्तान टीम नहीं बहाने ढूंढ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है बताना कि पाकिस्तान की टीम ने नहीं बोला ये अब बाहर की नॉइजेस हैं, बाहर की नॉइजेस नहीं पुराने क्रिकेटर्स पर। अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स अगर मैच्योरली बिहेव नहीं करेंगे तो इट जस्ट शोज पुअरली ऑन द कंट्री की यार क्या कर रहे हो। exactly. दूसरे कर भी रहे हैं, जहाँ पे कर रहे हैं तो उनकी तारीफ भी है। अभी आज शोएब ने भी एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया, मैंने इनको कहा वेल बोल अभी बिल्कुल बड़ा अच्छा था। तो चलिए आपने जिक्र किया ही है तो उस कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं। ही वाज नॉट हैप्पी, उसकी शक्ल नहीं है खुशी थी, एक स्टेटमेंट दिया आप दो रजा मजबूरी में लग रहे हैं। ऐश्वर्य राय, ऐश्वर्य राय तो आपके दिमाग में ना लेडीज का फिक्स नहीं हो पा रहा है भाभी, आप देख रहे हैं अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। नाम पर एक बेहुदा मजाक किया गया वहां पर और वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद थे और शोएब भाई आपने एक उस पर ट्वीट भी किया है, आपने उस चीज के ऊपर आपने मतलब काफी कंडेम भी किया है उस बात को। आप मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं क्यों मतलब इन मतलब इतना लूज टॉक क्यों चल रहा है? आपके पाकिस्तान में तो एक बढ़िया शो आता है लूज टॉक करके, उसके अलावा ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर लूज टॉक करने का क्या फायदा है? यार मैं तो उसके बिहाव पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज जी। यू नो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से, चलो अच्छा बोला। और आई सिंपली अपोलोजाइज वो पाकिस्तानी और मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे जी। उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड बिल्कुल एग्जैक्टली। और किसी भी औरत को लेके जी खातून है, काबले इज्जत है खवातीन हमारे लिए, सिंपल पीरियड खत्म बात, इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। बिल्कुल और आप बड़ी सारी ट्रोलिंग की बात करते हैं और शोएब भाई ऑलरेडी भी कई बार इस ऐसी गंदी ट्रोलिंग की बात करते हैं जो फेसलेस ट्रोल्स होते हैं। यहाँ पर आपके ये पूर्व क्रिकेटर्स बैठे हैं जिनको कई लोग रोल मॉडल्स मानते हैं, कम से कम ऐसे लोग मतलब जब इन तरफ से इस तरीके की इतनी हल्की बातें आती हैं। भाई मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपसे जी जी देखें, आपने मेरे मुंह से कब सुना कि मैंने आपको बुरा भला कहा? नहीं, मुझे कब आपसे, मैं एक बार बात कर, अगर मुझे मुझे मैं क्रिकेटर हूँ, पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं यार जी, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, पहले मुझे तो ये बताओ हु एम आई बाय द वे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार, लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग? बिल्कुल, कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया ये? लेकिन यार ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों तरफ के क्रिकेटर्स से, मैं कह रहा हूँ। कौन से दोनों तरफ के? वो जिंदा भाग के या जिंदा बाद के, जो जैसे मर्जी के जी। यार इट इज नॉट राइट, पता नहीं दोनों को, मैं किन दफा समझा, वही पता नहीं दोनों किसकी बात करेगा, इंडिया क्यों इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर मैं बताती हूँ। बात करो, इट इज नॉट राइट, भाई अगले की माँ बहन है जी, अगले के भी इमोशंस हैं, वही कलर का आदमी है जो इंडियन इंडिया में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान में बैठा है, हमारे सोशल नॉर्म्स भी एक जैसे नहीं। पेट्रियोटिक होना एक अलहदा चीज, दिस इज नॉट पेट्रियोटिक, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना, बॉल बदल लेना, उस बंदे का जिंदा भाग कर देना, घटिया आदमी है, क्यों कर रहे हो तुम? तो खेले हुए हो उसमें, हेट्रेड भरा हुआ है इंडिया के लिए, पाकिस्तान खेले हुए हो, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार, हम तो साथ इन सब के अंदर हेट्रेड है टू वर्ड्स इंडिया, दूसरा उसे हमने तो 3-4 साल तो एक ही प्लेट में खाया खाना है, जेनेटिक्स डस रन, हमने तो कभी आज तक डिसरिस्पेक्ट नहीं की। बिल्कुल, ये पर्सन रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो खुद अपने को पहचाननी है, अगर वो नहीं पहचान रहा यार उसके बिहाफ पे यार हम गंदे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पीपल यार, मैं आपको आप ऐसे पाकिस्तानी कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर कह रहा हूँ आपको यार, इंडिया डिजर्व टू प्ले द फाइनल, बिकॉज जितना अच्छा वो खेला है डिजर्व टू विन द फाइनल, बोलो ना। मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूँ, आपको आपको मैं यहाँ कोई आपको रिमार्क्स पास कर दूँ, मुझे क्या, एक तो एक लोगों को ना फेमस होने का शौक बड़ा है, शौक बड़ा यार, ये कीड़ा पता नहीं दांत में है, ये पता किस जगह से है कीड़ा,
yes, गलत जगह पे है। इनको भी हंसना नहीं चाहिए इस बात पर। They should be talking seriously with them। क्यों famous होने की जरूरत है? कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो? कमियां जवानी में कमियां तो तुम जो अभी पूरी कर रहे हो, ये क्या बात है? तुम अभी टीवीओ पे निकाल रहे हो आके, यार जवानी में कर लेते ना, मोटरसाइकिल जवानी में चला लेता जब बाल थे, अब ना बाल है ना माल ना इमाल है, आप मोटरसाइकिल चला रहा है, मैं क्रिकेटर को देख रहा हूँ इंडिया में, वो यहाँ क्या कर रहा है? इतनी सीरियस बात है, क्या भाई दिल सुनो, पंजाबी टोन निकला है, बात करते करते ही रहा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी की चल रही है यार, मैजर करेंगे यार, जबरदस्त है यार, जवानी की कमियां और पूरियां कर रहे हो। लेकिन शोएब भाई ये कंट्रोवर्सी की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, एक कंट्रोवर्सी हमारे लिए एक क्रिकेटर ने करी है, हम पे नहीं, कोई वर्ल्ड कप का संग। तो भाई बात वॉज वेरी सीरियस, उसको सीरियसनेस के साथ ही डिस्कस किया जाना चाहिए था। एक लेडी की इंसल्ट हुआ है, वो भी इंडियन लेडी की, बाय अ पाकिस्तानी, और वो भी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर। तो ये प्रेजेंटेशन जिस तरह से की थी, दिस वॉज ऑल्सो लिटल बिट इनअप्रोप्रिएट वे से इन्होंने की है। इनको सीरियसली शोएब से बात करनी चाहिए थी, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए था जब ये टॉपिक पे बात हो रही है, क्योंकि बहुत ही घटिया बात की गई थी उसमें। ऐश्वर्या राय के करेक्टर के ऊपर बात की, ऐश्वर्या राय के साथ शादी करके बच्चे करने की वैसे फालतू बात की। शी इज़ अ मैरिड लेडी, रिस्पेक्टेड लेडी, बहुत अच्छी फैमिली से आई हुई, बहुत अच्छी फैमिली में उसकी शादी हुई हुई है, एंड शी इज़ एन इंडियन, और एज एन इंडियन हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी बदतमीजी वाली बातें अगर कोई कर रहा है तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, उसको उनके साथ ही नहीं की जानी चाहिए। नहीं, बहुत ही अनपढ़ सोच थी, बहुत ही खटिया सोच, और मुझे पता नहीं ऐसे कितने अनपढ़ हैं नहीं है लाइफ में। और जैसे जैसे मतलब मैं तो ये साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कि जेनेटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, कैरेक्टर और जेनेटिक्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये कहना है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका बच्चा भी क्रिमिनल होगा, देयर इज नो लिंक, नहीं देयर इज नो जेनेटिक लिंक है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी सोच है देन दे आर रियली मेस्ड अप, क्योंकि हर एक इंसान अपने कर्मा से कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे एग्जांपल देना ही बड़ा पागलपन था, ये एग्जांपल देना। पहले तो एग्जांपल में आप एक इंडियन एक्ट्रेस का नाम लेते हैं, वो भी पागलपन है। तो पूरा का पूरा वाज ऑल मेस्ड अप, और वहाँ पे लोग हंसने लग गए, मे बी समझे नहीं थे या नहीं समझे थे, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। तुम समझे ना समझो, जब तुमको किसी इंडियन लेडी की बात हो रही है तुम चुप बैठ के सीरियसली सुन लो। तो मेरे ख्याल से पूरा इट इज ऑल, बिना समझे तुम क्लैपिंग ये करने लग जाते हो, तुम तो बड़ी बेवकूफ लोग हो फिर तो भैया। तुमको तो चैनलों पे बैठना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे में अक्ल ही नहीं है, तुम ऐसी बैठ जाते हो बिना समझे, तुम ऐसी तालियां बजाते रहते हो। तुम्हारा पूरा पाकिस्तान के जो रिएक्शन वाले हो सब बिना सोचे समझे ही बोलते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मतलब तुम लोगों को कुछ समझ नहीं होता, तुम ऐसी ताली मार दोगे, तुम ऐसी हंस दोगे, तुम्हें पता ही नहीं बोला क्या है। ये तो कोई बतुकी नहीं बनाया, कोई लॉजिक ही नहीं है यार। पर एनीवे इनका भी जो बोल रहे थे ये भी थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था कि भैया बचपन जवानी में कर लेते, कहाँ पता नहीं क्या एग्जाम्पल देने लग गए। पहले शुरू में ठीक बोला था कि हम मैं कंडेम करता हूँ ये, मतलब मैं खुद अपोलोजी करता हूँ वो सब बोला, पर उसके बाद जो थोड़ा वो उच्च कर दिया वो गलत बात है। और देखते हैं भैया, ये तो पाकिस्तान की सोच है ही, वो अपनी लेडीज़ को ही नहीं रिस्पेक्ट करते तो भैया दूसरों को, दूसरी बाहर के लोगों की कंट्रीज़ की क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो किसी को तो उस बारे में कोई डाउट तो है ही नहीं है, पर अच्छा है कि असलियत दुनिया के सामने आ रही है। अच्छा, मेरे को मेन बात ये बोलनी थी, मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में वही, अब मैं बताऊँ कितनी सही हूँ, वो बंदे ने गंदा बोला क्यों, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी चैनल में बैठा हुआ था और उसके व्यूज़ हैं पाकिस्तानी, तो उसने उस हिसाब से अपनी असली सोच दिखा दी। अब इंडियन चैनल्स में जो आएंगे जिनके व्यूअर्स इंडियन होंगे वो उसको कंडेम करेंगे, चाहे उनकी सोच अच्छी हो ना हो, और उनकी कंडेम भी में भी आपको प्रॉपर वो कहते हैं ना सच्चाई नजर नहीं आएगी, वो गुस्सा वो शर्म नहीं नजर आएगा। अब आप इस बात में बताओ आप कितना एग्री करते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।